जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र दो पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेलीग्राम पर मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं जो कि भाषा और साहित्य विषय के हैं। अभी तक मैंने हिंदी, इंग्लिश, संथाली, पंचपरगनिया, खोरठा इन सब के लिए मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं और बाकी बचे हुए जितने भी भाषा और साहित्य हैं उसके ग्रुप्स आज बनेंगे, आप सभी उससे ऐड हो जाइए। फिर ये भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से उसका हेल्प लेना है, तो इसके लिए आप मेरा दूसरा जो चैनल है स्मृति ऐश्वर्या के नाम से, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं वहीं पर सारे ग्रुप्स के बारे में डिटेल्स आपको शेयर करूंगी कैसे उस ग्रुप के हेल्प लेने हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी किस तरीके से करनी है आपको पेपर टू की। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं और उनके लिए बिल्कुल ये नया सिलेबस है और किस तरीके से तैयारी करनी है इससे वो अनजान है, तो आप सबके लिए क्लास मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो कृपया आप क्लास को पूरा देखेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। अब देखिए तैयारी जो करने का जो तरीका होता है, एक वे होता है, एक रास्ता होता है, वो सबका एक होता है। भले तैयारी किस तरीके, जैसे कि आप बोल के याद करते हैं या लिख के याद करते हैं या मन ही मन याद कर लेते हैं या फिर ग्रुप में स्टडी करना आपको पसंद है, अकेले पढ़ना पसंद है, और या फिर आप जॉब में हैं और उसके उसे समय निकाल करके आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अभी बेरोजगार हैं और आपके पास पूरा समय है तैयारी करने का। बहुत लोगों का होता है कि बहुत कम समय में उनको याद हो जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनको देर से याद होती है, बार बार उसको रटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, दूसरे से सुन के वो समझ पाते हैं, तो ये चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन एग्जाम को क्रैक करने का जो एक तरीका होता है वो एक अलग चीज़ है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि तरीका क्या है इस एग्जाम को क्लियर करने का या फिर आपको तैयारी करने का, खास करके तैयारी करने का। इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है ना कि आप सिलेबस को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास सिलेबस है, इस तरीके के सिलेबस हैं और होने भी चाहिए, अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैंने सारे ग्रुप में सिलेबस को शेयर कर दिए हैं। उस सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कि आज से, अभी से ही अगर आपने सोच रखा है कि आपको तैयारी करनी है, तो कॉपी और पेन उठाइए और आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दीजिए। और वो भी कहाँ से, तो इसी सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन निकाल करके फिर आप उसके आंसर राइटिंग। और क्वेश्चन कौन देगा, तो ये क्वेश्चन मैं दूंगी और आप सभी के ग्रुप के जो वैसे मेंबर जिनको उस भाषा और साहित्य पर अच्छी पकड़ है, तो कोशिश कीजिए कि उनसे प्रश्न पूछने की और कैसे प्रश्न आ सकते हैं किसी टॉपिक से, वो चीज़। हिंदी भाषा और साहित्य विषय में मैं आपको मदद कर दूंगी, और भी कुछ छात्र हैं जिनके अच्छे होंगे या फिर उनको जानकारी होगी हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में, तो उनसे भी मदद मिल सकती है। तो और ये जो चैनल्स होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट होता है या टीचर्स होते हैं, ये सभी आपका हेल्प करने के लिए होते हैं। काम आपको करना है, पढ़ना आपको है, परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में आपको देनी है, लिखने आपको हैं, आपके जगह पर कोई और लिख करके तो नहीं आएगा। सभी अपने अपने हिस्से की तैयारी करते हैं और अपना अपना सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपको अपनी तैयारी को करने हैं और किस तरीके से करने हैं और कैसे आपको इस चैनल का हेल्प लेना है ये आप डिसाइड करोगे। मुझे कैसे हेल्प करना है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको हिंदी भाषा और साहित्य विषय वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन के आंसर आपको करने का मैं मौका दूंगी, आप उसके आंसर करेंगे। इसके लिए आपको मिलेगा एक सप्ताह का समय, क्योंकि उस एक सप्ताह में आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं ये भी मैं देखना चाहूंगी, और आप सभी उसके आंसर करें। और मेरे पास जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल्स हैं, मैं लिख हैंड रिटन मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हैंड रिटन देने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, लिखना मुझे अभी फिलहाल, मैं मेंस के लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ जो कि अन्य पेपर्स के लिए है, तो उसके लिए मुझे बहुत लिखना होता है। तो आपको, आप शुरू तो कीजिए, ये जो मैं मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगी जो भी मेरे पास हैं अवेलेबल अभी, तो वो आपके हेल्प के लिए होगा, आप उससे देख सकते हैं, आप उससे मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई अन्य मटेरियल्स नहीं है, तो अगर आपके पास मटेरियल्स हैं तो उसका हेल्प लेकर के आप आंसर राइटिंग कीजिए, नहीं है तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी मदद आपके लिए कर सकते हैं। तो आज से ही मैं ये क्वेश्चन भी देना शुरू कर दूंगी, तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना, जितना आप लिखिएगा किसी क्वेश्चन का आंसर, सफलता के मतलब सफलता को आप
आसानी से अचीव कीजिएगा। और इसकी तैयारी आपको अभी से इसलिए कर देनी है क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, प्रीलियम्स वाला अब कब होने वाला है, अगले 2-3 महीने तक तो चांस नहीं है, तो आप इस 2-3 महीने का सही तरीके से सदुपयोग कीजिए। मैं ये नहीं करी कि पूरा दिन आप पूरे मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगाइए, आप प्रीलियम्स की तैयारी कीजिए, प्रीलियम्स क्रैक करेंगे तब तो आप मुख्य परीक्षा की तरफ जाएंगे, लेकिन अब मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास समय कम हो जाएगा। आपने अभी अभी ग्रुप को ज्वाइन किया है टेलीग्राम वाले, हो सकता है आप बहुत सारे छात्र, मुझे लगता है 600 छात्र में से 10 ही छात्र ऐसे होंगे जिनकी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 2 की तैयारी अच्छी हो रखी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्क पड़ता है, आपकी तैयारी नहीं शुरू हुई है अभी। आपको जब मैं सिलेबस शेयर करना शुरू करूंगी और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना शुरू करूंगी तो आप अपने सर पकड़ के बैठ जाएंगे ये सारा चीज कैसे होगा, तो आप उसके बाद अफरा तफरी में आ जाएंगे क्या होगा कैसे होगा, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन कौन सी किताब पढ़नी है, ये करनी है वो करनी है, नोट्स का आप अच्छे नोट्स ढूंढते रह जाएंगे, उसी में आपका समय लग जाएगा। जो मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं आपके पास अवेलेबल है आप शुरू तो कीजिए, वहां से आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए और अपने आंसर को वहां सबमिट करिए। नहीं चाहते हैं अपने ग्रुप्स में सबमिट करना, पर्सनली मुझे सबमिट कीजिए, या नहीं भी चाहते हैं आप अपना आंसर अपने पास बना के रखिए, ये तो कीजिए। मेरा काम, मैं अपना काम अपना कंटिन्यूअस करूंगी और आप अपना काम अपना पूरा कीजिएगा, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य विषय के बारे में भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से आज मैं शुरुआत कर रही हूँ। सभी अलग अलग भाषा और साहित्य के जितने भी ग्रुप्स हैं, स्ट्रेटेजी सबकी एक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, आपके पास टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होनी चाहिए, और आपके पास जो है आंसर राइटिंग करने का एक जज्बा होना चाहिए। हार्ड वर्क करेंगे आप सभी और इस तरीके से कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आप कर जाइए। जब आप इतना कर जाइएगा ना, तो आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का समय रहेगा कब, जब आप प्रीलियम्स को क्रैक कर लेंगे। प्रीलियम्स क्रैक करने के बाद आप सिर्फ उन चीजों को रिवीजन कीजिए और बार बार अब जितनी चीजें आपने लिख ली हैं उसी को कई बार लिखने के लिए जितना रिहर्सल कहते हैं ना, कि अगर मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ा करती थी तो उस समय में स्टेज प्रोग्राम्स होते थे स्कूल के तरफ से, अलग अलग प्रोग्राम्स में मैं डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी या सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती थी, तो रिहर्सल होते थे, जैसे कि जब क्लास मतलब 6 पीरियड अगर चल रहे हैं एक दिन में, तो जो छठवां पीरियड होता था लास्ट वाला जो क्लास होता था उसमें हम लोगों को बुलाया जाता था कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आप सभी रिहर्सल के लिए चलिए, तो हम लोग सभी रिहर्सल के लिए जाते थे और उसी गाने पर हम लोग परफॉर्मेंस करते थे जिस गाने को हम लोगों को स्टेज पर परफॉर्म करना होता था, तो उस समय हम लोग सीखते थे, मैम जो थी वो सिखाती थी, हम लोग पूरा कोशिश करते थे कि जब फाइनल हम लोग स्टेज पे जाएं तो हम लोग बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करें और हम लोगों का वो फाइनल हो और हम लोग प्राइज जीतें। इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सभी जो है अभी ही सब कुछ लिख करके रख लीजिए, ताकि जब आपके एग्जाम देने जाएं तो वहां पर आप शुरुआत ना करें, वहां पर आपका ये फाइनल परफॉर्मेंस हो तो उसको आप वहां पे कीजिए। मैं आज आपको जो देखिए हिंदी भाषा और साहित्य का हम लोग अब सिलेबस पे चर्चा करते हैं, तो हिंदी भाषा एक बार एक मिनट मैं निकाल लूं पहले सिलेबस में हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में, सिलेबस भी इतना बड़ा है ना कि कहीं हाँ, इसमें आपको मैं उपन्यास जो है वहां से शुरू कर रही हूँ। बहुत बार मैंने शुरुआत किया है हिंदी भाषा के इतिहास से और वहां से मैंने कई बार क्वेश्चन दे रखे हैं, अब नया शुरुआत मैं कर रही हूँ उपन्यास से, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि इसको मैं छोड़ दूंगी हिंदी भाषा के इतिहास को, इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको लेकर के चलूंगी, लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं अभी जो तैयारी है उसकी उपन्यास से, क्योंकि आपको सिर्फ 3 उपन्यास पढ़ने, एक तो प्रेमचंद्र का पढ़ना है गोदान, दूसरा की फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, और तीसरा पढ़ना है श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी। ये हिंदी भाषा और साहित्य का, इसी तरीके से अन्य भाषा और साहित्य में भी उपन्यास पढ़ने हैं, तो आप सभी को कौन कौन से उपन्यास पढ़ने आप उसको देख लीजिए और उस उपन्यास से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसकी आंसर राइटिंग। अब जिस तरीके से देखिए, आज मैं ले रही हूँ प्रेमचंद्र के गोदान को और गोदान से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं दूंगी, और आपको एक सप्ताह का समय दूंगी कि आप इसके आंसर राइटिंग कीजिए, और एक सप्ताह के बाद मैं इसके PDF जो होंगे आंसर के वो मैं आपको शेयर कर दूंगी जो मेरे पास अवेलेबल है। फिलहाल आप उसी मटेरियल से, जिनके पास नहीं है अब ये मत सोचने लगिएगा कि बहुत सारे और भी मटेरियल्स आपको कहीं वहां मिल रहे हैं वहां मिल रहे हैं, अगर आपको मिल रहा है तो आप अभी ही फॉलो कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो
ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनकी जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि उतने महंगे मटेरियल्स को ले सकें, या उनके पास वो साधन नहीं है कि आप उन सभी संस्थानों के साथ जुड़ सकें, तो मैं आपको इस कुछ पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराऊंगी, कुछ नोट्स अवेलेबल कराऊंगी, आप उसको देख करके आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने भाषा में कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। अब देखिए, आज हम लोग गोदान को ले रहे हैं, प्रेमचंद के गोदान को। इस गोदान में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप इस क्वेश्चन के आंसर को सबमिट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, गोदान का यथार्थवाद आप लिखिए इसको, और नहीं लिख, मैंने आपको कहा कि कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए अब पूरी जुनून के साथ। मैं तो एक माध्यम हूँ, आपको मार्गदर्शन देते रहूंगी समय समय पर, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है। कोई जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं घोर के कोई पिला नहीं देगा, तो मैं घोर करके आपको पिला नहीं दूंगी, आपको कैसे हेल्प लेना है आप खुद सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप आंसर राइटिंग कीजिए इन सारे प्रश्नों के। अब देखिए, गोदान का यथार्थवाद आदर्शवाद की ओर संकेत करता है, इस कथन की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, गोदान का यथार्थवाद आदर्शवाद की ओर संकेत करता है, इस कथन की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए, आपने क्या होगा। अब अगला प्रश्न लिखिए, गोदान कृषि या ग्रामीण संस्कृति का महाकाव्य है, इस उक्ति से आप कहां तक सहमत हैं। तो आप कहां तक सहमत हैं, आपको यह बताना किस पर। तो गोदान कृषि या ग्रामीण संस्कृति का महाकाव्य है, ये प्रश्न हो गया गोदान से। अभी कुछ और भी प्रश्न मुझे आप लोगों को देने हैं जो कि गोदान से ही हैं। अब आप सब नोट कीजिए, आप सबके पास प्रश्नों का पूरा अच्छा खासा ये होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, जिसको जिसके आंसर हो सकता है कहीं से भी। अब गोदान दिया है उपन्यास में, तो कहीं से भी जो क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं, इस उपन्यास से कई तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है कि गोदान भारतीय किसान की, गोदान जो है वो भारतीय किसान की जीवन गाथा है, इसकी आपको विवेचना करनी है। गोदान भारतीय किसान की जीवन गाथा है, विवेचना कीजिए, लिख लिया आपने। अगला प्रश्न है कि गोदान में देहाती जीवन और नागरिक जीवन की दोहरी कथा से उपन्यास के संगठन को हानि पहुंची है, इसके सत्यासत्य पर विचार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान के, मतलब इसी तरीके का ये, मतलब या करके दिया हुआ है, या फिर गोदान के स्थापत्य या रचना विधान या शिल्प पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है कि गोदान एक महाकाव्य उपन्यास है, इस युक्ति के आलोक में प्रेमचंद्र की उपन्यास कला को रेखांकित कीजिए। प्रेमचंद्र के जो उपन्यास कला जो है उनके पास, उसको रेखांकित करना है और ये बताना है कि गोदान एक महाकाव्य उपन्यास है। अगला इसी को इस तरीके से, ये अगला प्रश्न है कि गोदान की मूल समस्या पर विचार करते हुए सिद्ध कीजिए कि क्या गोदान समस्या मूलक उपन्यास है क्या, तो ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि गोदान में प्रेमचंद्र ने भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी का विस्तृत निरूपण किया है, उदाहरण देकर के इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है कि गोदान जो है वो किसान के संघर्ष की गाथा है, इसको स्पष्ट कीजिए। गोदान किसान के संघर्ष की गाथा है इसको स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि गोदान में मानव चरित्र के वैविध्य पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है कि गोदान की भाषा शैली के वैशिष्ट को उद्घाटित कीजिए। अगला प्रश्न है कि होरी का जीवन साधारण किसान का जीवन है, उसका दुख हमारे देश के समस्त किसानों का दुख है, इस कथन के आधार पर गोदान के होरी का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है कि होरी गोदान का केंद्रीय चरित्र है, आप कहां तक सहमत हैं, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं कि जो होरी है वो गोदान का केंद्रीय चरित्र है। अगला प्रश्न है कि गोदान की संरचना और उसके राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, ये बस इतना ही प्रश्न मैं आपको दूंगी जो कि गोदान से है, और लगभग मुझे लग रहा है कि 10 प्रश्न जरूर होंगे यहाँ पर, और इसमें से आपको 5 प्रश्न जो होगा वो उसके आंसर करने हैं।
आप इसके आंसर को सबमिट करेंगे मेरे उसी टेलीग्राम वाले ग्रुप से जो कि हिंदी भाषा और साहित्य के लिए मैंने बनाया है। आप अपने आंसर वहां सबमिट कीजिए, 5 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। आप सभी मुझसे कहते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य की तैयारी कराइए हिंदी भाषा, तो मैं आपको क्वेश्चन दी हूँ, इस सब के आंसर कीजिए। और अगर इसमें से मेरे पास किसी के आंसर होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके ही आंसर मेरे पास हैं, अगर हैं मेरे पास तो इसको भी मैं दूंगी, लेकिन पहले आपको लिखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको दूंगी। अगर आपके पास मटेरियल्स नहीं है तो आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर गूगल से आप हेल्प लेते हैं तो गोदान की जो किताब है ये आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है कि ई बुक उसकी होगी अवेलेबल। इसके लिए जरूरी किताब आप पूछते हैं कि कौन सी किताब आपका हेल्प करेगी हिंदी भाषा और साहित्य के लिए। जितना भी आज मैंने क्वेश्चन दिया है इसके लिए आपको गोदान जो उपन्यास है वो आपको लेने पड़ेंगे और आंसर आपको वहीं से करने पड़ेंगे। इतनी बातों को आपने समझा, तो आज हम लोग गोदान के बारे में जाने, और कल कोशिश करेंगे हम लोग एक अगला जो टॉपिक है हो सकता है मैला आंचल हो फणीश्वरनाथ रेणु का, यहाँ से मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, तो ये आप करेंगे। किताब के बारे में आप मैंने बताया कि फिलहाल आप इसको सर्च कीजिए, अगर ई बुक अवेलेबल होगा वो कीजिए, अगर आपके पास किताब अवेलेबल है गोदान की आप वो रखिए और आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। तो आप अपने आपको जो सही लगता है क्वेश्चन उसको आंसर आप कीजिए, तो यही तरीका होता है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। अब इतना तो मैं कर दे रही हूँ, अब आप कितना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझसे पूछते हो कि मैम जब आपके मैं नोट्स लूँगा या आपके मैं ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, वो मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, कितने नंबर्स के आंसर हो जाएंगे वहाँ से मेरे। तो मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट में तो इतनी सारी किताबें अवेलेबल हैं, सबके पास अधिकतर जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके पास राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत होते हैं, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम होते हैं, सबके पास होते हैं, लेकिन क्या सभी एग्जाम निकाल लेते हैं? नहीं ना। आप किस तरीके से लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ते हैं, आप किस तरीके से स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, आप किस तरीके से घटना चक्र को पढ़ते हैं, आप किस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप सफल हो जाते हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे आगे कि मैंने आपको तैयारी कराई थी, आपने मेरे चैनल से हेल्प लिया था, आपने मेरे इंस्टीट्यूट से हेल्प लिया था। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी पड़ती है। इसीलिए आप सफलता असफलता की जिम्मेदारी खुद उठाइए और अपनी तैयारी खुद करिए, सेल्फ स्टडी करिए। अभी का समय जो है जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है और बाहर निकलना मुश्किल, अगर आप किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स का भी हेल्प ले रहे हैं, तो ये हेल्प के लिए है, ये एकमात्र विकल्प आपके लिए नहीं है कि आप इसी को करेंगे तो ही आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, मतलब आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ हेल्प के लिए होते हैं, जिम्मेदारी पूरी आपकी होती है। तो आज के क्लास में बस यही, धीरे धीरे आप क्लास को ही फॉलो करते रहिए, मैं हमेशा इस तरीके का मार्गदर्शन करते रहूँगी, आपके तैयारियों में मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहूँ। हो सकता है कि आज वॉइस में कुछ आपको थोड़ा सा बदलाव लगे या किसी तरीके का कोई दिक्कत लग रहा हो, क्योंकि कुछ सेटअप में चेंजिंग आया है। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, मैंने आपको बताया था कि वॉइस का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि वो जहाँ से वायर जाता है वो कट गए थे और पूरा पूरा दिन लग गया था कि वाईफाई को सही करवाने में वाईफाई वाले को, और साथ में मेरा वॉइस का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था इसी वाईफाई के वजह से, इंटरनेट के वजह से। तो आज मैंने इसको सॉल्व कराया तो पता चला कि मेरे माइक में ही प्रॉब्लम है। तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम में मैंने एक नया माइक लिया था आहूजा का, तो मैं उसी माइक को लगा करके आज मैं उसी माइक को कनेक्ट करी हूँ। बहुत बहुत टाइम लगा मुझे सारे कनेक्ट करने में, आप सभी देखेंगे कि कितना वायर यहाँ सारा बिखरा हुआ है, मैं वायर पे खड़ी भी हूँ, कुछ वायर पैर के नीचे से भी गुजर रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा, एक दो दिन में सही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर माइक के लिए इस तरीके का चीज़ लगाना पड़ता है। अब कैसे वॉइस जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, यहाँ पर इसमें बैटरी भी लगानी पड़ती है, मेरा बैटरी चल रहा भी है कि नहीं चल रहा है पता नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। तो आज बस इतना ही आप सभी के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप मेरा नया चैनल भी फॉलो कर लीजिए, हो सकता है कुछ बातें यहाँ रह गई हो तो मैं वहाँ आपको बता दूंगी।
जिसका नाम है स्मृति ऐश्वर्य। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।